जिला ऊना में नशे के खिलाफ सड़कों पर ऊना जिला के नौजवान उतरे और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए निकले। इस साइक्लोथोन को महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कैप्टन मिताली राज, कबड्डी खिलाड़ी विशाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला ऊना में नशे के प्रति जागरूकता के लिए जिला प्रशासन द्वारा साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिससे प्रशासन की तरफ से पैदल अगेंस्ट पेडलर्स से नो टू ड्रग्स नाम दिया गया। साइक्लोथोन को महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कैप्टन मिताली राज, कबड्डी खिलाड़ी विशाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेस में भाग लेने वाले साइकिलिस्ट को हार भी पहनाए गए और उनको ड्रग्स को लेकर जागरूक करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। ये साइकिल रेस ऊना के इंदिरा ग्राउंड से शुरू हुई और 80 किलोमीटर का सफर तय कर ऊना पहुंचेगी। ये ऊना से होते हुए जोगीपंगा रायपुर मैदान भाकड़ा नंगल होते हुए ऊना में आकर समाप्त होगी। यहाँ पर सभी रेस में शामिल राइडर को सम्मानित भी किया जाएगा। इस साइक्लोथोन के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा। इस रेस में ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार व एसपी कार्तिकेन ने भी भाग लिया। वहीं इस रेस में एक लड़की भी शामिल हुई है जो इस रेस में 80 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जिला ऊना के मुख्यालय से आज एक साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, जो रैली का हमने थीम दिया है, पैडल अगेंस्ट द पैडलर्स गो फिट। जैसा हम जानते हैं कि नशा जो है वो एक बहुत बड़ी ईविल जो है वो बन चुका है समाज में, तो नशे के विरुद्ध जो हम अभियान चलाया हुआ जिला ऊना ने, उसी की अंतर्गत जो है वो आज एक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अपने प्रदेश से तो साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, बाहर के प्रदेशों से भी जो साइकिलिस्ट आज यहाँ पर आए हुए हैं। तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र जो है वो आज हम तय करेंगे। हम ऊना से रैली शुरू करके रायपुर मैदान जाएंगे जोगीपंगा होके, और रायपुर मैदान से भाखड़ा बांध होते हुए जो वो वापस ऊना में पहुँचेंगे। हमें इस रैली को आयोजन करने के लिए जहाँ पुलिस प्रशासन की सहायता मिल रही है, वहीं पर हमें द ग्रैंड गुलमोहर की तरफ से जो है स्पॉन्सरशिप आई है, रोटरी क्लब द गेटर जो ऊना का है उनसे स्पॉन्सरशिप आई है, द बाइक स्टोर होशियारपुर से जो है उनकी स्पॉन्सरशिप आई है, तो इन सब के सहयोग से जो है वो हम इस बाइक रैली का जो आयोजन कर रहे हैं।